हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड जो है कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो समझिएगा ध्यान से। कॉलम मेथड का जो फॉर्मेशन ऐसे होता है, यह बनाया गया है इस फार्मूले का यूज करके, जो आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ए प्लस बी होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फार्मूले का यूज करके जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो ए क्यूब है वो यहाँ रहता है, ठीक है, और 3 ए स्क्वायर बी हियर प्लस, उसके बाद यहाँ पर होता है 3 ए बी स्क्वायर। आप ये सीक्वेंस बिल्कुल यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे हमेशा, मीन्स ये जो सीक्वेंस मैं कह रहा हूँ कि 3 इंटू ए स्क्वायर पहले करेंगे b, उसके बाद 3 ए बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में जो सीक्वेंस है, पहले पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद b क्यूब, ठीक है। इस तरीके से बनाया गया है आपका ये कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब किसी भी नंबर का। यहाँ पर देखिए 3 5 है, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर का फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 3 डिजिट वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 की यदि फाइंड करना चाहते हैं आप फर्स्ट, तो क्या करना होगा कि यहाँ पर ए और जो बी दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हियर ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू 3 है और बी इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर पुट करके सबका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, अलग अलग सारे कॉलम्स में सब। तो यहाँ पर ए क्यूब पहले निकाल लेते हैं हम, तो 3 का यदि क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इंटू बी, इंटू बी मीन्स 5। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पर, तो 3 3 9 9 3 27 27 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 7 35 का 5, 3 करी ओवर 5 2 10 1 3 13 मीन्स 135 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, अब क्या है 3 है, बी क्या है आपका 5 है, 5 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 3 9 इंटू ये हो जाएगा 25। यदि मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 25 में तो मिलेगा आपको 225, ओके। यहाँ करिए बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो आपको मिल जाएगा 125। तो फाइनली हमने सबका कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। अब जो मेथड है क्यूब्स लिखने का वो समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी टिपिकल है थोड़ा सा, समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे सो हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 35 इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे कॉलम के फोर्थ वाले कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ वाला कॉलम है उसमें जो 5 है यूनिट्स प्लेस पर, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। मतलब जो क्यूब आएगा 35 का, उसका यूनिट्स प्लेस पर जो आएगा वो बी क्यूब का यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे उतार लेंगे। फिर जो बचा हुआ यहाँ पर है 12, इस 12 को हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ पे ला करके 12 को ऐड कर देंगे। मीन्स करना क्या है कि इसको यहाँ ला करके ऐड कर दीजिए प्लस 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 7 2 1 3 एंड ये 2। यहाँ पर अब इतना बन गया। अब इसमें से जो यूनिट्स प्लेस पर है 7, वह 5 के टेंस प्लेस पर लाइए आप, तो 7 को हम यहाँ ला देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ यहाँ पर जो नंबर है, डिजिट से बना हुआ जो नंबर है, उसको हम ला करके यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 और ये 1। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट्स प्लेस जो है 8 है, और इस कोट इस 8 को हम लाएंगे यहाँ पर, 8 यहाँ रख दीजिए हंड्रेड्स प्लेस पर। उसके बाद ये 15 है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में ले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 15, ठीक है हियर। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 5 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी ओवर एंड 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद तो इधर कॉलम है नहीं, तो हम इधर ले जा सकते नहीं हैं, तो 42 को 42 ही ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। मीन्स आपका जो 35 का क्यूब आ गया, वो आ गया 42,875 एंड दिस इज एग्जैक्टली द क्यूब ऑफ 35 एंड दिस इज योर आंसर। तो सिमिलरली आप जो है यहाँ पर 5 6 रखिएगा, इसको कर सकते हैं 72 का निकाल सकते हैं आप, 72 रख करके।
एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है, कहीं पर मिस्टेक नहीं करेंगे यदि आप यहाँ मल्टीप्लाई करने में, और यहाँ से आपको कैसे यहाँ पे सॉल्व करके रखना है, यहाँ पर मींस जो यूनिट्स प्लस है केवल उसी को उतारना है यहाँ पर, ठीक है। पहले यहाँ पर 5 उतार लीजिए, उसके बाद से जो बचा हुआ जो डिजिट का नंबर है 12, उसको आगे वाले कॉलम में जो नंबर है उसमें ऐड कर दीजिए। जो मिलेगा रिजल्ट उसका जो यूनिट्स प्लस होगा फिर उसको उतारिए यहाँ पर आंसर में, ठीक है। और लेफ्ट साइड से उतारते जाएंगे, ठीक है, यूनिट्स प्लस पर टेंस का, टेन हंड्रेड्स का, फिर ऐसे ही थाउजेंड्स प्लस का करते जाएंगे। और यहाँ पर जो फिर 23 बचेगा तो उसको राइट साइड में ले जा करके नेक्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। जो नंबर मिलेगा फिर से रिजल्ट उसका यूनिट्स प्लस फिर लगा के यहाँ पर 8 रख देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ जो नंबर आएगा 15 को ले जाकर नेक्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर देंगे, मीन 27 में ऐड कर देंगे 15, तो यहाँ पर मिलेगा 42। अब नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे 42 को ही 42 ऐसे एज इट इज ला करके रख देंगे, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे ही सबका करना है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। यदि कोई भी डाउट फिर भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सकती है, मतलब नोटिफिकेशन मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।